الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد जी लास्ट क्लास से कोई सवाल है, कोई मसाइल वगैरह में कोई सवाल हो باب الخوف हाल था। जी। आप पानी पे दम करके पी सकते हैं, मतलब पानी पे हो सकता है दम? कुछ उलमा ने इसकी इजाजत दी है पानी पर दम करके पीने की, दलील क्या अल्लाह वाले मुझे नहीं पता इसके बारे में। बाब अल खौफ मेरा शिर्क, शिर्क से डरने के बारे में, और हमने पहली आयत पढ़ी थी अल्लाह ताला का ये फरमान, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, वह यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, और इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा जिसको चाहेगा। तुमने ये बात बताई थी कि जो शिर्क की हालत में फौत होता है वो हमेशा जहन्नम में जाएगा, और शिर्क के अलावा अगर गुनाह कबीरा है और इस हालत में इंसान फौत हो जाए तो अल्लाह ताला की मशीयत, यानी अल्लाह ताला की मशीयत के तहत है, अल्लाह ताला चाहे तो उसे माफ कर दे, चाहे तो उसे अजाब दे दे और फिर उसे निकाले। अगली आयत है वो कॉल अल खलील अलैहिस्सलाम, खलील अलैहिस्सलाम ने कहा, खलील कौन है? मूसा, इब्राहिम, दो खलील हैं अल्लाह ताला के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलील जो है, खलील का माना ये है कि खलील एक ही हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर मेरा कोई खलील है तो वो एक ही हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं किसी को खलील लेता बनाता तो वो अबू बकर को बनाता, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील बना लिया है, लिहाजा मैं, यानी खलील सिर्फ एक हो सकता है, और खलील वो है कि जिसके वो जिसकी मोहब्बत दिल को पूरा फिलअप कर दिया है इसने, यानी अब किसी और की जगह नहीं हो सकती, वो होता है खलील। सवाल है शिर्क कौन सा है जिसकी माफी नहीं है? शिर्क असगर की भी बिना तौबा, ये हमने यरवन में सारी चीजें अकसाम पढ़ी थी इसलिए मैं यहाँ पे दोहराने नहीं चाह रहा। शिर्क अकबर, शिर्क असगर वगैरह, शिर्क असगर जो है वो कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, ये हमने पढ़ा था, और शिर्क असगर पे अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो अल्लाह तआला की मशीयत के तहत है, क्योंकि शिर्क असगर जो है वो, शिर्क असगर जो है वो कबीरा गुनाह है, और शिर्क अकबर जो है वो इंसान को मिल्लत से, इस्लाम से खारिज कर देता है। हमने ये तफसील पढ़ी थी यरवन में इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं है। खलील तो अल्लाह अल्लाह ताला ने, ये खलीलुल्लाह जो है वो दो हैं, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह और एक इब्राहिम। तो बहुत से लोग जो है वो हबीबुल्लाह कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। हबीब अभी भी कम दर्जे का वस्फ है, तो अगर तारीफ ही करनी है तो फिर खलील कहें, जो खलील वो जो होता है जो जिसकी प्योर लव होती है, प्योर लव, उसमें कहीं भी कोई, हबीब तो बहुत सारे हो सकते हैं इंसान के, ये खलील से एक ही हो सकता है। तो हम यूं कहें ना, मतलब अगर तारीफ करनी तो हबीबुल्लाह ये वस्फ नाकिस है, हम इसको नक्स, हम कम दर्जे वाला, हम कम दर्जा क्यों दे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अगर देना है तो फिर खलील ना दें, वो दें जो कि अल्लाह ताला ने दिया है अपने नबी को, अपने खलील को। बस ऐसी वो खिताबत का जो है वो जोश, लोग बड़े एक अजीब खिताबत का जोश, जी हबीबुल्लाह, अल्लाह के हबीब, जब बोलना है तो अल्लाह के खलील कहें या अल्लाह के बंदा कहें, अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह से बड़ा वस्त है कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब्दुल्लाह। अल्लाह ताला ने तीन अहम मकामात पर रसूलुल्लाह का जब जिक्र किया तो अब्दुल्लाह से किया, क्योंकि अब्द जो है वो बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत सबसे ऊंचा मकाम है अब्द, वाकई अल्लाह का स्लेव बन जाना, वाकई अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लेना, वो होता है अब्द। अल्लाह ताला ने मेराज का वाक्य बताने पर अब्दुल्लाह का जिक्र किया, ठीक है।
फिर इसी तरह सूरह जिन में अल्लाह ताला ने जब जिनों को दावत देने के बारे में जिक्र किया, लम्मा काम अब्दुल्लाह, कि जब अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ तो करीब था कि जिन जो है वो आपस में उनके ऊपर जमा हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसी तरह चैलेंज, जब कुरान के जरिए चैलेंज दिया अल्लाह ताला ने, तो ये कहा कि अगर शक है जो हमने अपने बंदे पर अब्दुल्लाह पर नाजिल किया, अले अब देना, जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो ले आओ कोई सूरत जैसी। तो तीन अहम मकामात पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह का वस्फ जो जिक्र किया वो अब्दुल्लाह है। अब्दुल्लाह बहुत बड़ा वस्फ है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स आया और बहुत ज्यादा तारीफ में मुबालगा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे ऐसे ना बढ़ा देना जैसे कि नसारा ने ईसा अलैहि सलाम को बढ़ा दिया, बल्कि मैं अब्दुल्लाह और उसका रसूल हूँ, मुझे अब्दुल्लाह और उसका रसूल हूँ। अब्द बहुत बड़ा वस्फ है। लेकिन वो लोग जो इतने सारे औसाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बांध देते हैं लेकिन अब्द और खलील नहीं बांधते, तो उनके इल्म में कमी है, उनके इल्म में कमी है। यानी अल्लाह के रसूल को सैयद भी कहेंगे, मौला भी कहेंगे, हबीब भी कहेंगे, सरकार दो कायनात भी कहेंगे, और पता नहीं क्या क्या, सैयदुल इमामुल अंबिया, ये वस्फ ठीक है। लेकिन इन औसाफ के साथ आपने अब्द और खलील के वस्फ का जिक्र नहीं किया, तो ये तो इतने बड़े अहम वस्फ है जो कि अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ताला ने ये दो औसाफ जिक्र किए हैं जो किसी के लिए नहीं किए। तो ये महज एक खतीबाना अंदाज है कि बस लोगों की वाह वाह हो जाती है, बाकी जो एक इल्मी मैदान है उसमें जो है वो ये बातें जो है वो नहीं चलती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वजुनुबनी वबनी अन नअबुद अलअस्नाम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन, हम पीछे पढ़ा है, इमामुल हुनफा, तौहीद मुवहिदीन के इमाम, वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन की जमात से बिल्कुल इज्तनाब करने वाले, अलग रहने वाले, यानी तौहीद परस्तों के इमाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करें, यानी तौहीद, ऐसे यकसू हो के अल्लाह की इबादत। और वो यानी ये तौहीद में सबसे आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तौहीद में सबसे आगे, वो अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले कि हम बुतों की इबादत कर ले करें, हमें बुतों की इबादत से बचा ले, और अपने अपनी औलाद के लिए भी दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर हम और आप कहाँ हैं, हम और आप जो है वो अपने आप को तो बड़ा जन्नत का एक ला इलाहा इल्लल्लाह का थोड़ा बहुत माना समझ लिया और किताब तौहीद भी पढ़ ली, तो हम जो है वो अपने आप को जन्नत ही समझने लगे, तो उसका मतलब हमने किताब तौहीद समझी नहीं है और हमने ये बाप समझा ही नहीं है। वो शख्स तौहीद पर हो और वो शिर्क से ना डरे, ऐसा नहीं हो सकता। वो शख्स जो ईमान पर हो और निफाक से ना डरे, ऐसा नहीं हो सकता। ताबी फरमाते मैं साहबा 70 से ज्यादा साहबा से मिला, सबके सब निफाक से डरते थे, सबके सब ये समझते थे कि हम मुनाफिक हो गए। हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और कहा नाफा का हंजला, हंजला मुनाफिक हो गए। अबू बकर कहते क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो, कहा हंजला मुनाफिक हो गया है, क्यों हो गया भाई, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो जन्नत जहन्नम गोया हमारे आंखों के सामने होती है, इतना ईमान बढ़ा हुआ होता है, और जब हम फैमिली घर वालों के पास जाते हैं तो वो बात नहीं होती है। तो अबू बकर ने कहा तो अबू बकर भी मुनाफिक हो गए, चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, लेकिन रसूल अबू बकर हंजला मुनाफिक हो गए, क्यों हो गए, ये वजह बताई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम जैसे इस जैसे कि रसूलुल्लाह जैसे कि मेरी मजलिस में होते हो, ऐसा तुम्हारा कंटिन्यूस बेसिस पर हाल है, तो तुमसे मलाइका मुसाफा करें, लेकिन इसका भी वक्त है उसका भी वक्त है। यानी मकसद यह है कि तुम्हारा ईमान इतना डाउन नहीं होना चाहिए कि तुम गुनाहों पर आ जाओ और अल्लाह की नाफरमानी पर आ जाओ। मैं पहले भी इस बात को जिक्र कर चुका हूं। बहरहाल तो मकसद यह है कि निफाक, वो शख्स जो तौहीद पर होता है वो ला महाला शिर्क से डरता है, क्योंकि शिर्क शिर्क पे तो उसकी पूरी जिंदगी स्टेक दाव पे लगी हुई है। शिर्क अगर हो गया इस हालत में मर के किसको गारंटी है। हालांकि हमारे सामने जब ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमल अहलिल जन्ना फीमा यब्दुल लिन्नास लिअमल अहलिल जन्ना हत्ता,
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक शख्स जो है वो जन्नतियों वाले अमाल करता है हत्ता कि वो अपनी मौत से एक बालिश दूर होता है, फयामलु बिअमल अहले नार, फिर वो जहन्नमियों वाले अमल करना शुरू कर देता है, फयदखुलहा, तो फिर वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है, यानी मौत से एक बारिश पहले, पूरी जिंदगी जन्नतियों वाले अमाल करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताया कि ऐसे भी हैं कि जो पूरी जिंदगी जहन्नमी वाले अमाल करते हैं, अल्लाह ताला उनको मौत से पहले तौफीक दे देता है, वो अच्छे अमाल करते हैं। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इदा अरादल्लाहु बिअब्दिही खैरन अस्सलहू, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अल्लाह ताला बंदे के साथ अच्छा इरादा फरमाता है तो उसको अस्सलहू, और एक और रिवायत में इस्तेमालहू, अल्लाह ताला उसको इस्तेमाल करता है कबल इसकी मौत से पहले, और दूसरी रिवायत में अस्सलहू, असल किसको कहते हैं, शहद को कहते हैं, शहद की तरह उसको मीठा बना देता है, यानी मौत से पहले वो मीठा हो जाता है, लोग उसके इर्द गिर्द जो है वो, यानी लोगों के भी फायदे में, लोगों के भी काम आता है। मकसद ये है कि असल जो इन्नमल आमालु बिल खवातीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि असल दारोमदार जो अमाल का इंसान की जिंदगी का है वो खात्मे पर है, तो इसलिए हम बेखौफ नहीं हो सकते अल्लाह ताला की, क्योंकि हमारी हरकतें कुछ अच्छी नहीं है, हमारी हरकतें इतनी अच्छी नहीं है कि हम जो है वो बेखौफ हो जाए कि हम ईमान पर ही मौत होगी हमारी, बल्कि इंसान को डरना चाहिए। सलफ जो है वो बहुत डरा करते थे इस बात से कि हमारे शिर्क पे मौत ना हो जाए या गुनाह पर मौत ना हो जाए। नसअलुल्लाह अलआफिया। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो डर रहे हैं अल्लाह ताला से और शिर्क से डर रहे हैं। इमाम अल हुनफा, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो थे कि जिन्होंने सबसे अफजल तरीन अमल किया और काबे की बिना, काबे को बनाया, काबे की तामीर की, काबे की तामीर करके फिर क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह हमारी तौबा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और अल्लाह हमारी ये कबूल कर ले, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह ये जो काबा मैंने बनाया है जो बहुत से लोगों को हज उमरे का सब सबब बनेगा, अल्लाह ये कबूल कर ले, यानी अदम कबूलियत का भी डर होता था। तो वो शख्स जो कि अदम अमल अमाल की अदम कबूलियत से बेखौफ हो जाए, शिर्क से बेखौफ हो जाए, निफाक से बेखौफ हो जाए, तो उसको अपना ईमान चेक करना चाहिए। जी सवाल है कोई? जी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? ऑनलाइन आवाज क्लियर नहीं आ रही थी? ठीक है, क्लियर है जी। जिनको नहीं आ रही उनके शायद उनके यहाँ कोई मसला है। जी तो मैं यही बता रहा था, बस इसकी वजाहत कर रहा था कि इंसान को जो है वो इन चीजों से डरना चाहिए। अमिन तुम मनफिस समा यक्सफ बिकुम الارض فاذا هي تمور, क्या तुम उस जात से बेखौफ होगे कि तुम्हें वो जमीन में ढसा दे? तो अल्लाह की जात से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह मारिज में भी मोमिन का वस्फ जिक्र करते हुए फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून अल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइलि वल महरूम अल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफिकून। वो अपने अल्लाह के अजाब से डरते थे, यानी ये जो मोमिन थे जो जन्नत में जाएंगे वो दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के अजाब से डरते रहते थे, बहुत खौफ होता था उनको अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के मकर से, अल्लाह की तदबीरों से। अल्लाह की तदबीरें नऊज़ बिल्लाह कोई जालिमाना नहीं है, बल्कि इंसान के अपने अमाल ऐसे होते हैं। ये जो वो शख्स जो है जो पूरी जिंदगी जन्नत के वाले अमाल करता है और आखिर एक मौत से एक बालिश जब दूर होता है जहन्नम में चला जाता है, तो उलमा फरमाते हैं इसके दिल में नियत सही नहीं होती इसकी। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करता कि जो शख्स पूरी जिंदगी खालिस तौहीद और सुन्नत अल्लाह की रजा और नेक नियति के साथ गुजारे और फिर उसका बुरा खात्मा हो, नहीं, एक से उसका बुरा खात्मा हो, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा अल्लाह ताला। बल्कि वो जो नेक अमाल करता है उसको खुद नहीं पता होता कि उसकी नियत में कितनी खोट होती है,
रियाकारी कर रहा है या कोई ना कोई इसका मकसद है। लोग समझते हैं कि बड़ा दीनदार है, नेक है, लेकिन असल ऐसा होता नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। जी वो दूसरी बात है, वो तकदीर के हवाले से बात है, वो इस हदीस का टुकड़ा नहीं है, वो दूसरी हदीस है। सवाल क्या है इसमें? हाँ, बस वो होता यही है कि एक हदीस में आता है फीमा यब्दू लिन्नास, वो जन्नतियों वाले अमल करता है जो लोगों को दिखाई देते हैं कि जन्नतियों वाले हैं, लेकिन उसके दिल में रियाकारी होती है, गैर अल्लाह के लिए अमल होता है, दुनिया मकसद हो, दुनिया कमाना मकसद हो, यानी दीन को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन हैरत की बात है कि उसको शोर नहीं होता इस बात का। जब इंसान गुना में बहुत आगे बढ़ जाता है तो फिर वो इब्नुल कय्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान गुना में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गुना गुना का जो वो तकलीफ है उसको महसूस नहीं होती है। जो गुनहगार होता है वो एक नशे की हालत जैसा होता है, उसको तकलीफ महसूस नहीं होती गुना की। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो जो इमाम अल हुनफा है वो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि वह जुनूब नहीं, ये भी जुनूब जनबा से है कि मुझे एक जानब रख और बुतों को दूसरी जानब रख, यानी इतना दूर मुझे रख बुतों से, शिर्क से। असलाम सनम की जमा है, सनम कहते हैं कोई तस्वीर शुदा बुत को, और वसन वाओ था और नून जो है वो कोई भी, यानी वो जरूरी नहीं है कि वो तस्वीर शुदा मुसव्वर हो, यानी तस्वीर शुदा कोई चीज हो, बल्कि कोई भी चीज हो, मिसाल के तौर पर पैसा हो, कब्र हो, ये सारे वसन में आते हैं। बहरहाल दोनों दोनों की इबादत करना शर्क है। अगली हदीस है वफिल हदीस, एक हदीस में अख़वफ़ु मा अख़वफ़ु अलैकुम अश-शिर्कुल असगर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे ज्यादा जो मुझे तुम पर डर है तुम पर वो शिर्क असगर का है। शिर्क अकबर का इतना डर नहीं है जितना शिर्क असगर का डर है। शिर्क असगर क्या पूछा गया, फसौलानू पूछा गया क्या है शिर्क असगर, फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अर-रिया, रियाकारी, ये शिर्क असगर है। शिर्क असगर जो है वो इसके इर्तिकाब से इंसान दारे इस्लाम से खारिज नहीं होता, अलबत्ता कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, हत्ता कि जहन्नम में सबसे पहले जो है वो शिर्क असगर के मुर्तकबीन को डाला जाएगा, एक आलिम को जिसने दिखलावे के लिए और वाहवा के लिए इल्म हासिल किया, और दूसरा जो है वो शहीद जिसने अल्लाह जिसने दिखलावे के लिए कि मैं बड़ा बहादुर हूं इसलिए जिहाद किया, और तीसरा जो है वो जिसने बहुत ज्यादा माल खर्च किया दिखलावे के लिए, सबसे पहले जहन्नम को उनके जरिए भरगाया जाएगा। और रिया किसी को दिखलाने के लिए अमल करना, किसी को दिखलाने के लिए अमल करना, उसको इम्प्रेस करने के लिए करना, उसकी वाहवा लेने के लिए करना। हमने ये यरवन में पढ़ा था कि अमल जो है या तो दुनियावी फायदे के लिए किया जा सकता है या खालिस अल्लाह के लिए किया जाएगा या फिर किसी को दिखाने के लिए। तीन वजूहात की बुनियाद पर अमल इंसान कोई भी इंसान करता है, दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए या किसी को दिखलाने के लिए या अल्लाह के लिए। दुनियावी फायदा को हासिल कर, दुनियावी फायदा अगर मकसद, ये हमने सब तफसील में पढ़ा था, मैं बिल्कुल समराइज करते हुए चल रहा हूँ, याद है ये चार्ट बनाया था मैंने, आप नहीं थे एयरबन में, चार्ट मैंने बनाया था, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स किनको याद है ये चीज,
सवाल अगर अमल की बात किसी को बता दिया जाए और बताते हुए थोड़ी सी रियाकारी वाली फीलिंग आई, क्या सवाल था, ऊपर चला गया। पता नहीं क्या था। अगर बहरहाल जो अमल के बाद अगर किसी को बतला दिया जाए, बता दिया जाए, तो बताते वक्त दो हालत होती है इंसान की। एक तो गलती से इंसान बता देता है, उस पर भी वो अंदर से अपने आप को मलामत कर रहा होता है, मैंने ये अल्लाह के लिए किया था, क्यों बता दिया मैंने ये, तो इंशाल्लाह इसके लिए उम्मीद है। लेकिन एक शख्स है जो खुश हो रहा है कि हाँ बताते हुए कि अच्छा है, मेरी तारीफ हो जाएगी थोड़ी, तो फिर ये रियाकारी में आ जाएगा, अमल को बर्बाद हो जाएगा। अगरचे उसने अल्लाह के लिए अमल किया था, लेकिन उसमें उसने बाद में आगे पानी फेर दिया उस पर। तो रियाकारी ये इसको कहते हैं सुमा। रियाकारी कहते हैं किसी को दिखाने के लिए अमल करना, और सुमा सीम मी माइंस है, इसको कहते हैं किसी को सुनवाने के लिए अमल करना। ये शिर्क असगर है, इससे इंसान दार इस्लाम से खारिज नहीं होता, अल्लाह की वसीयत के तहत अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर दे। बहरहाल जो शख्स रियाकारी में मुब्तला है, वो इबादत जो रियाकारी पर मबनी है, वो इबादत बातिल है, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, बल्कि उसको उल्टा उसको गुनाह मिलेगा। ऐसे लोगों के बारे में कुरान में आता है कि वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, ऐसे लोग अल्लाह के पास आएंगे कयामत वाले दिन, अचानक से फैसला सादर होगा जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। यानी वो ये सोचते समझते आ रहे होंगे कि मैं तो नेकियों का पुल बांध के आ रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। यानी अब देखिए वो अपने आप को जन्नत ही समझते हुए आ रहा है। वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, अल्लाह ताला की तरफ से अचानक फैसला सादर होगा जिनका वो गुमान भी नहीं करते थे। सूरह काफ में भी है ना आयत कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले लोगों के बारे में ना बताऊं, अल्लज़ीना ज़ल्ला सईहुम फिल हयात अद-दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम यहसनून सुना, हम यह सबूना अन्नहुम यहसनूना सुना, कि सबसे गुमराह कुल लोग वो हैं कि जो कंपाउंड इग्नोरेंस में है। यानी वो ये समझ रहे थे हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम, वो कयामत के वाले दिन इस हाल में आ रहे कि अच्छे काम, यानी वो कयामत वाले दिन इस हाल में आ रहे कि हम तो ईद मिलाद नबी लेते हुए आ रहे हैं, हम तो बहुत सारी बिदात लेके आ रहे हैं। अब बिदत को तो इंसान इबादत ही समझता है, ठीक है, बदत को इंसान इबादत समझता है, हम तो बहुत सारी शब बरात वाली नवाफिल लेके आ रहे हैं, शब बरात वाले रोजे लेके आ रहे हैं, हम तो बहुत सारी शब मेराज वाली नवाफिल लेके आ रहे हैं, हम तो 30-40वें स्वयं पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, तो वो तो इबादत समझता है, वो इबादत समझते हुए आ रहा होगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से फैसला सादर होगा जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। क्या फैसला सादर होगा? उनकी नेकियों को हबा मंसूरा, उनके नेकियों को उड़ा दिया जाएगा। तो एक तो ये लोग होंगे जो साहिब बिदत होगा, एक वो होगा जिसके दिल में रियाकारी होगी, जिसके दिल में रियाकारी होगी अल्लाह ताला उसके अमाल को बर्बाद कर देगा। वो कभी कभार हमें मुश्किल होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मैं ये अमल में इखलास है कि नहीं है। बहुत मुश्किल चीज है ये इखलास जो है, वो बहुत मुश्किल चीज है। सुफयान सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने जो इतना बड़ा जिहाद किसी में नहीं किया जितना बड़ा जिहाद मैंने इखलास में किया है। बार बार मुझ पर चेंज होता रहता है, यानी इंसान की समझ में नहीं आता कि ये बस ये इंसान जो है मकसद इसका ये है कि इंसान जिहाद करता रहे इखलास के लिए और अल्लाह ताला से मदद तलब करता रहे इखलास के लिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये पूरा तभी होता है। आप नहीं इबादत कर सकते, इखलास नहीं आ सकता जब तक कि अल्लाह की मदद ना हो। तो इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद तलब करते हैं। किस चीज में? इय्याका नअबुदु में हम इय्याका नस्तईन करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी इबादत करने में यानी तेरे ही इखलास में हम इय्याका नस्तईन यानी तुझी से मदद तलब करते हैं। तेरी मदद के बगैर हम इखलास नहीं कर सकते, इखलास नहीं अपना सकते। तो मुश्किल चीज है ये। तो हमें ये डर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पता नहीं हमारी नीयत के, यानी हमें अपनी नीयत के बारे में पता नहीं होता, हम दूसरों की नीयतों पर फतवे लगा रहे होते हैं। अब देखिए इंसान कैसा कहां तक पहुंचा हुआ है। हमें मुझे नहीं पता मैं यहां पे बैठ के पढ़ा रहा हूं, मैं अल्लाह के लिए पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा, आपको नहीं पता, आप गारंटी आप लोगों को कि आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं।
ये नियत है ही ऐसी चीज, इसमें कोशिश की जा सकती है, कोशिशें की जा सकती है, जिहाद किया जा सकता है, नफ्स से मुजाहिदा किया जा सकता है, शयातीन के वसवासों को दफा किया जा सकता है, कोशिशें की जा सकती है, सर्टेनिटी के लेवल पर नहीं पहुंचा जा सकता कि मैं मुखलस हो गया, नहीं हो ही नहीं सकता, ये इतनी मुश्किल चीज है, ये मुश्किल चीज है, इसका मतलब ये नहीं उसको छोड़ दिया जाए, अल्लाह से मदद तलब की जाए, क्योंकि यही वाहिद निजात का जरिया है। तो हमें अपनी नियतों को नहीं पता, हम दूसरों की नियतों को क्या बताएंगे, हम दूसरों की नियतों पर शक कर रहे होते हैं और फतवे लगा रहे होते हैं, हमें सिर्फ हुक्म है कि हम लोगों के जाहिर को देखें, लोगों के जाहिर को देख के जो है वो हुक्म लगाए। अगली हदीस अपने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा आप लोग जो ऑनलाइन सवाल कर रहे होते हैं, मैं अक्सर पढ़ रहा होता हूँ और आप लोगों के सवाल ऊपर जा रहे होते हैं, तो जब मैं कहूँ कि जी सवाल कीजिए तो उस वक्त सवाल करें ताकि आप लोगों के सवाल जो है वो ऊपर ना चला जाए और जाया ना जाए, क्योंकि मैं उमूमन जब मैं किताब में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं देख नहीं रहा होता। और जो ये सवाल कर रहे हैं कौन सा बाब क्लास से शुरू से लेके, तो उनको थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए अभी, कि उनको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनको खुद पता होना चाहिए, तलबा को, तलबा के सामने किताब होनी चाहिए और वो खुद पता होना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, ठीक है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन माता वहु यदउ मिन दूनिल्लाहि नद्दन दखल अन्नार, जो शख्स फौत हुआ इस हाल में कि वो गैर अल्लाह को अल्लाह के अलावा निद को पुकारता था, निद कहते अल्लाह के बराबर, अल्लाह के मुशाबे, अल्लाह की मिसल, यानी अल्लाह के मिसल उसने कोई चीज बनाई हुई थी या अल्लाह के बराबर कोई चीज उसने बनाई हुई थी, तो गैर अल्लाह को यानी अल्लाह की जगह जिस जगह अल्लाह को पुकारा जाना चाहिए था उस जगह वो गैरुल्लाह को पुकार रहा है, इस हाल में वो फौत हो जाए, दखल नार, आग में दाखिल हो गया, आग में दाखिल हो गया। ये बुखारी की हदीस है, रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी ने इसको अपनी सही बुखारी में रिवायत फरमाया। अच्छा अब यहाँ पे एक तीन चीजें मैं एक समराइज कर दूं। देखे जो दिखलावे के उससे है, यानी अगरचे इंसान शिर्क अकबर का में मुर्तकिब नहीं होता, शिर्क असगर जो है वो तीन तरह का होता है, एक रियाकारी होती है, एक सुमा होता है और एक उजुब होता है। लेकिन जी कोई भी अमल जो है वो दुनियावी फायदे के लिए किया जाएगा या फिर उस अमल में इखलास होगा यानी अल्लाह के लिए किया जाएगा, या फिर उसमें जो है वो शिर्क असगर होगा। दुनियावी फायदे के लिए मिसाल के तौर पर हज मैं करने इसलिए जा रहा हूं, मेरी अल्लाह के लिए हज करने की कोई नियत नहीं है मगर मैं सिर्फ ऐसी कमाने के लिए जा रहा हूं, तो उसका हज बातिल है, अल्लाह की नियत नहीं है तो उसका हज बातिल है। लेकिन अगर साथ साथ असल नियत अल्लाह के लिए है, असल नियत अगर अल्लाह के लिए है, हज अल्लाह की रजा के लिए किया है, लेकिन साथ साथ अगर वो कुछ कमाल भी लेता है और सेकेंडरी नीयत उसकी ये रख लेता है कि मैं कमा भी लूंगा, तो फिर ये जायज है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है इसमें। इखलास में दो चीजों की तलब होती है, अल्लाह की रजा और मा इंदल्लाह, अरबी में लिखना है तो उसको लिखे तलबु रिज़ल्लाह व तलबु मा इंदल्लाह, अल्लाह की रजा की तलब और जो अल्लाह के पास है उसकी तलब, तलब
उसकी नीयत अल्लाह के पास क्या है? क्या है अल्लाह के पास? दुनिया है और आखिरत है। रब आते ना फिर दुनिया हसन हो फिर आखिरत हसन हो कि नाजा बनना। अल्लाह ताला ने इस्तगफार का फायदा बताया कि इस्तगफार से मैं तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दूंगा, तुम्हें जन्नत भी दूंगा और दुनिया में भी तुम्हें मैं बेटे दूंगा, माल और दौलत दूंगा। वो कुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा युरसिलुस समा अलैकुम मिद्रारा, बारिश देगा अल्लाह ताला, ये दुनिया भी फायदा है। ठीक है, तो इस्तगफार तो वो अमाल जिसकी जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया भी फायदे भी जिक्र किए हैं वो भी तलब किए जाए तो ये इखलास में ही है। लेकिन असल इस्तगफार तो चूंकि अल्लाह से माफी मांगना है तो उसमें अल्लाह तो आ ही जाता है। ठीक है, शिर्के असगर पहला जो है वो इसमें रियाकारी आती है, किसी को दिखाने के लिए अमल करना, यानी ऐसा अमल करना जो शरीयत से साबित हो लेकिन वो किसी को दिखाने के लिए करना। अल्लाह की इबादत किसी को दिखाने के लिए करना, इबादत अल्लाह की हो रही है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही है, लेकिन चूंकि लोग सामने बैठे हुए इसलिए रुकू लंबा कर दिया, सजदा लंबा कर दिया, तो ये रियाकारी है। इससे नमाज बातिल हो जाती है, इससे इबादत बातिल हो जाती है, फासद हो जाती है, कबूल नहीं होती बल्कि गुनाह होता है। तो अल्लाह की इबादत करना किसी को दिखाने के लिए ये रियाकारी है। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह से दुआ करना किसी को सुनवाने के लिए, ये समय जो है वो दो तरह का होता है। एक इबादत के बाद, जैसे भी किसी ने सवाल भी किया था, इबादत के बाद इबादत कर ली अब आप सुनवा रहे हैं, अमल बर्बाद हो गया आपका। आपने सदका दिया 1,00,000 रुपए अकेले में, फिर आप एक महफिल में गए और आप बराइयां शुरू कर दी, आपने आपने जो है वो बराइयां मारना शुरू कर दी और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। आपके दिल में ये आ गया कि अब मैंने अमल तो कर लिया तो उस अमल के जरिए मैं मशहूर भी हो जाऊं, लिहाजा उसने सुमा का इरतिकाब हो गया। तो इबादत के बाद, और एक इबादत हुआ ही नहीं, हो ही ना, हो ही नहीं, इबादत अंजाम दी नहीं, आप ऐसे ही सुनवा रहे लोगों को, जैसे हमने पिछली हदीस में पढ़ा ना, तो इबादत हुई ही नहीं है, आपने रातों क़यामुल लैल किया ही नहीं है, आप लोगों को बता रहे मैंने क़यामुल लैल किया, तो इसमें झूठ भी आ गया, सुमा भी आ गया, पता नहीं क्या क्या गुनाह आ गया इसमें। तीसरा जो है वो उजुब है, उजुब सेल्फ ऑब्सेशन क्या होता है, ये खुद पसंदी, अरबी में उसको उजुब कहते हैं, खुद पसंदी कहते हैं उर्दू में, अपनी तारीफ करना नहीं, अपने आप को ऑब्सेस, अपने आप से ऑब्सेस होने का मतलब ये है कि मिसाली तौर पर आपने 2 दिन कैमुल लैल कर लिया, 2 घंटे आप कैमुल लैल के पास सोच रहे भाई क्या बात है आपकी, सर आपने तो जो है बड़ा कारनामा तीर मार दिया आपने, क्या आपने माशाल्लाह आप अल्लाह की इबादत कर दी आपने, ये आप अपने आप से कह रहे हैं, ये आप अपने आप से कह रहे हैं। ये उजब अमाल को, उजब इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर चाहे ये वो ये नहीं सोच रहे कि मैं किसी को दिखा रहा हूं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अब वो जब उजब में आएगा तो मुतकब्बर हो जाएगा, अब वो लोगों को जो है वो हल्का लेगा, यार ये तो लोग जो है तो नमाज वमाज कुछ पढ़ते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जानवर के मानंद लोग हैं। ठीक है, इस तरह इंसान सोचता है, इंसान के अंदर ये आता ही शैतान डालता है कि इंसान थोड़े बहुत अमल कर लेता है तो वो जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है। अमल करने से इंसान और आजिज हो जाता है, उजुब के वसवसे आते हैं, लेकिन इसका मतलब यही उसको ले लिया जाए। उजुब यानी कि मैंने कोई भी अमल कर लिया, मैंने पैसा खर्च कर दिया, मैंने सदका दे दिया और उसके बाद आपको शैतान वसवसे डाल रहा था, क्या क्या
भाई तुमने तो क्या काम किया है, तुमने लाख रुपए दे दिए, बेहतरीन काम, तुमसे बड़ा तो कोई सखी नहीं हो सकता। अब वो बंदा जो शैतान के वसवसे को ले लेगा तो वो क्या कहेगा, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बात तो सही है, मेरे जैसा तो कोई सखी हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा कोई सखी हो ही नहीं सकता। अब वो क्या होगा, अब उसकी हलाकत का दरवाजा शुरू हो गया, अब वो हलाक हो गया, जब इसने अपने आप को समझ लिया और लोगों को कम समझ लिया, अब हलाकत का दरवाजा उसका खुल गया। अच्छा ये इसने क्या किया, इसने अपने अपने नफ्स को अल्लाह के साथ शरीक किया, इसने अपने नफ्स को उस वो जगह दे दी जो उसकी जगह नहीं थी, इसलिए इसको शिर्क असगर में और शिर्क शिर्क की डेफिनेशन में कहा जाता लाया जाता है। अच्छा ये शिर्क असगर जितने भी होते हैं इनसे हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये शिर्क असगर जो है वो शिर्क अकबर तक ले जाते हैं। शिर्क असगर दरवाजा है शिर्क अकबर का। एक इंसान जो बहुत ज्यादा रियाकारी में मुबतला होता है वो फिर शिर्क अकबर में दाखिल हो जाता है। एक इंसान जो अपने ओजब में बहुत ज्यादा मुबतला होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, वो फिर अपने अपने आप को इतना बढ़ा देता है कि वो अंबिया और रसूल और अल्लाह के मकाम पर अपने आप को बिठा देता है। फिरौनियत उसका आखिरी दर्जा है, ओजब का फिरौनियत। फिरौन कौन था जिसने जो अपने नफ्स से बहुत ज्यादा, यानी हाइट ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन था ना, वो हाइट थी, वो इसकी इंतहा थी, ये इंतहा है। ये शिर्क असगर इसलिए कहा जाता है इसको कि ये शिर्क की तरफ ले जाते हैं, इसलिए इनको हल्का नहीं लेना चाहिए। सवाल है कि ऐसे वसवसे आए तो क्या करना चाहिए। एक तो वो दुआ याद कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शिर्क असगर जो है वो काली चूंटी, काली चट्टान जो चल रही है उसकी आहट से भी ज्यादा मख्फी है। यानी इंसान जब शिर्क असगर कर रहा होता है और जो और रियाकारी और इस तरह की चीजें आ रही होती है तो ये बहुत ज्यादा मख्फी होता है, इंसान को पता नहीं लगता। मैं वही कहा इस्तेआनत इयाक नस्ताईन, अल्लाह से मदद तलब करना सबसे पहला इसका इलाज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा परेशान है, सहाबा ने कहा फिर अल्लाह के नबी हम कैसे बचे इससे, इतना मख्फी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन नुशरिका बिका नअलमुहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलमुहु। ये दुआ है लिख लें, ये इसको मांगा करें। अल्लाहुम्मा अगर आप अकेले मांग रहे तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिक وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك اللهم پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں شرک کروں اس حال میں کہ میں نہیں جانتا واستغفرك لما لا اعلم اور میں اس سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا یعنی جو مجھ سے شرک ہو گیا جو گناہ ہو گیا جس کو میں نہیں جانتا میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ بہرحال گوگل پہ آپ خود تھوڑے سے الفاظ لکھ لیجئے اور اس کو سرچ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ مل جائیں گے یہ الفاظ، مختلف الفاظ کے ساتھ، ہلکے ہلکے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت اور یہ دعا مروی ہے۔ تو پہلا علاج تو یہ ہے اللہ تعالی اللہ کے اللہ کی اللہ سے مدد کے بغیر انسان نہیں بچ سکتا، انسان اللہ کا محتاج ہے عبادت میں بھی، اللہ کی عبادت انسان صحیح طریقے سے کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو لہٰذا اللہ ہی سے مدد، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے کہ اللہ تو ہی مجھے اپنی عبادت کرنا سکھا اخلاص کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا یہ ہے، دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان جان لے کہ وہ جس کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے یا جس کو سنوانے کے لیے کر رہا ہے وہ کیا دے گا، آپ کو کیا دے گا، محض ایک واہ کا لفظ کہہ دے گا اس سے کیا ہو جائے گا؟ یعنی آپ نے قیام اللیل کیا، اتنی مشقت والی عبادت کی، اور بدلے میں آپ کو کیا، اگر آپ سنوا دیں گے تو بدلے میں کیا ملے گا آپ کو، وہ کہے گا واہ، اور وہ بھی پتہ نہیں کہے نہ کہے، تو آپ کو لگ رہا ہے وہ واہ کہے گا، منہ پہ جو ہے وہ واہ واہ کہے گا، اندر سے آپ کو گالیاں دے رہا ہوگا، کیا پتہ آپ کو،
अवाम तो खुश होती नहीं किसी चीज से, अवाम को खुश करने निकलेंगे तो फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे। अवाम को क्या खुश करना, हक बात कहें, कहने में दावत में भी अवाम को खुश करने की जरूरत नहीं है, इबादत में भी अवाम को खुश करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये जान लें कि मतलब हमें ये इस बात पर हम गौर कर लें कि वो बंदा मुझे क्या देगा, वो तो खुद ज़ईफ़ है, वो खुद बंदा है, वो मुझे क्या देगा अगर मैंने अपनी थोड़ी बड़ाई बयान कर ली इसके बाद इसके सामने, तो मुझे क्या दे देगा वो, कुछ नहीं देगा, कुछ दे भी नहीं सकता। तो क्यों ना मैं अपने आमाल को उस जात के लिए मख्फी रखूं और जात के लिए खालिस रखूं जो मुझे दुनिया और आखिरत दोनों दे सकता है। जी सवाल कोई है तो बताएं जी। इतने बड़े सवाल आप कर रहे हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंजला के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ के बारे में क्या फरमाया, यही फरमाया कि इसका यानी ये कोई मसला नहीं है, ये कोई निफाक नहीं है कि ईमान ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैंने ये बताया कि ईमान जब नीचे हो तो इतना ना हो कि इंसान गुनाह पे आ जाए, अल्लाह की नाफरमानी पे आ जाए। रेफरेंसेस जी मुझे याद नहीं है, ये आप कहीं देख लेंगे तो उसका आपको हवाला मिल जाएगा इंशाल्लाह। सवाल है गुनाह सगीरा की एग्जांपल्स हैं, ये हमारे टॉपिक से कहां से रिलेटेड है, गुनाह सगीरा की बात हुई है क्या कोई? बहरहाल गुनाह सगीरा वो होता है कि जिसके इस बारे में वईद स्पेसिफिकली कुरान और हदीस में नहीं आए, वईद नहीं है, इससे इस काम करने से मना किया गया हो लेकिन वईद नहीं आए। मिसाल के तौर पर बदनजरी करना किसी औरत को देखना या औरत मर्द को देखे, ये गुनाह सगीरा है, ठीक है। ये यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने अल्लाह ताला ने मना किया है कि ऑपोजिट जेंडर को देखना, कुरान में मना किया है, लेकिन इस पर कोई लानत नहीं फरमाई या वईद नहीं सुनाई कि जहन और जितने भी कबीरा गुनाह है उस पर वईद आती है स्पेसिफिकली, यानी जहन्नम में या आखिरत में तुम्हारे लिए अजाब है, जैसे कि गीबत है, झूठ है, ये सारे कबीरा गुनाह है। जी किसी को के दूसरा माइक माइक में करें, माइक चल नहीं रहा, चल रहा है भाई, नहीं चल रहा। अगर हम इबादत अपने बता रहे हैं किसी को इस मकसद से कि वो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो भी इसमें ख्याल रखना चाहिए, बात तो सही है, किसी को दूसरों को उभारने के लिए अमल किया जाए तो बात तो सही है। मिसाल के तौर पर औलाद, औलाद है, औलाद के सामने आप कोई अमल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप औलाद को दिखा तो नहीं रहे, रियाकारी नहीं है, लेकिन औलाद की ट्रेनिंग हो रही है, तरबियत हो रही है, तो आप कर सकते हैं, वो एक तरबियत में, वो खुद इबादत है, यानी इबादत इसलिए ये ट्रेनिंग है, ये खुद इबादत है। ये इतना बड़ा सवाल जो आ रहा है ये बार बार ऊपर चला जाता है। सवाल है कि आपको अगर नेक अमल करते हैं, ये किनका सवाल है, मैं आपका पूरा सवाल दोहरा नहीं रहा हूं, फातिमा शायद उनका ही सवाल है, पूरा नाम जी, तो ये जी फातिमा अजीज का सवाल है कि अगर आप कोई अमल करती हैं या करते हैं और मिसाल के तौर पर आपने बचपन की उम्र में हज किया और फिर लोग जो है वो आपको एक ऑब्सेस कर देते हैं अपने आप से, यानी लोग आपके अंदर रियाकारी वाली फीलिंग्स डालते हैं कि हाँ तुमने तो हज कर लिया भाई, छोटी सी उम्र में तुम तो अलहाज बन गए, हाँ तुम हाजी बन गई हैं छोटी सी उम्र में, हाजी की फीमेल वर्जन क्या होता है, हजन उर्दू में क्या कहते, हाजिया, हाँ मतलब छोटी हाजी बन गई आप, ठीक है। तो ये तो भाई मतलब आपने तो बचपन में ही तीर मार लिया, बचपन में ही आपने इतनी बड़ी साइंस कर ली, तो
अब वो क्या होता है, वो अंदर से भूलना शुरू हो जाता है सामने वाला अगला शख्स के, जी मैंने तो बचपन में ही कर लिया और तुम तो इतने बूढ़े हो गए, शर्म तो आनी चाहिए तुम्हें कि तुमने अभी तक हज नहीं किया। मेरे ऐसे भी लोग मौजूद हैं, तो वाकई उनको तो आनी चाहिए शर्म। तो शर्म दिलाने के लिए अगर तो भूल रही है तो भी ठीक है, बहरहाल मजाक कर रहा हूँ। इसमें भूलना मतलब क्या है, इसमें अगर कोई सामने तारीफ कर, इसलिए सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। एक सहाबी ने दूसरे सहाबी की तारीफ कर दी सामने मुंह पे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुमने उनको छुरी से ज़बह कर दिया तुमने। अब वो क्या होगा, वो सामने वाला शख्स जो है वो भूल जाएगा, अब वो भूल जाएगा उसके दिमाग में वसवसे आएंगे और फिर वो जो है वो मुतकब्बिर हो जाएगा और उजब में और रियाकारी में मुबतला हो जाएगा। कि अब होगा क्या, एक मिसाल के तौर पर एक मजलिस में बैठा हुआ है और वो जिस मजलिस में आपकी तारीफ हो रही है, एक तो रियाकारी आएगी कि देखें दूसरे लोग भी सुन रहे हैं मेरी तारीफ, एक ये, दूसरा ये कि सेल्फ ऑब्सेशन यानी उजब भी आएगा कि मेरी तारीफ हो रही है। तो इसमें जो है वो ये दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह मुझे, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे अरबी में उसकी दुआ सही से याद नहीं, अबू बकर रदील्लाहु ताला अन्हु की दुआ है कि अल्लाह ये जो मेरी तारीफ कर रहा है, मैं तेरी तुझसे मैं मगफरत तलब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मगफरत तलब करता हूँ तुझसे, इस्तगफार करता हूँ, मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरा कोई नहीं है कमाल, ये तेरा ही कमाल है। तो उस वक्त दुआ कर लेनी चाहिए और उसका मुंह बंद कराना चाहिए, मतलब आप उसको थोड़ा सा जो है वो उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है जी। शरी पर्दा ना करना कबीरा गुना है, सगीरा कबीरा गुना है जी। हाँ दुआ आ गई, एक स्टूडेंट ने भेजी, अल्लाह तो आखिजनी बिमा यकुलून वगफिरली मा ला यालमून, अल्लाह मेरी पकड़ ना करना जो ये लोग मेरी तारीफें कर रहे हैं, इस बिना पर मेरी पकड़ ना करना, वगफिरली मा ला यालमून, और मुझे माफ कर दे जो ये लोग मेरे बारे में नहीं जानते। मैं गुनाह का पुतला हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, ये मेरे गुनाहों के बारे में नहीं जानते, तो मैं उससे तेरी तौबा करता हूँ और उस पर मेरी पकड़ ना कर, यानी ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, ये खामो खा जो है मुझे खुश कर रहे हैं, तो मेरी इस पर पकड़ ना कर रहे, मैंने मेरा इसमें कोई अमल नहीं है, तो ये वाली दुआ याद कर लें जी, ठीक है। जी बाप के, एक सेकंड, बाप कंप्लीट हो गए, ठीक है, आगे भी वही इस तरह इसी तरह की हदीस है, तो ये बाप जो है वो कंप्लीट हो गया जी। क्या सवाल है, ठीक है, सवाल है कि दुनिया के काम में भी कोई रियाकारी हो सकती है, ये कैसा सवाल है, दुनिया के काम में रियाकारी कैसे होगी, दुनिया के काम में तो कोई इबादत मकसद ही नहीं है, रियाकारी की डेफिनेशन में नहीं आता। रियाकारी की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि अल्लाह की इबादत करना किसी को दिखाने के लिए, सवाल अच्छा है कि अगर हम इल्म अपने आप से जहल को दूर करने के लिए और नेक अमल करने के लिए पढ़े कि हमारे औलाद नेक बने, तो ये क्या अल्लाह के लिए है। देखिए सलफ इस तरह का एहतमाम करते थे और सूरह काफ में भी है, वकान अबू हुमा सालिहा। मेरे ख्याल में शायद सवाल को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, सवाल ये है कि ऐसा अमल अमल ने चूंकि अल्लाह ताला ने हमें वादा किया है कि जो नेक शख्स होगा उसकी औलाद के लिए भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा और उसकी दुनिया भी अच्छी बना देगा और आखिरत भी अच्छी बना देगा, तो ये वही बात है कि अल्लाह ताला ने सूरह काफ में फरमाई कि वकान अबू हुमा सालिहा, उनके उनके उनका बाप जो था वो नेक था, यानी अल्लाह ताला ने वो दो यतीम बच्चों के माल की हिफाजत की और एक नबी और एक वली यानी मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर को भेजा कि उस दीवार को सीधा करने के लिए। वाकया जहन में है नहीं है, तो वो एक यतीम, दो यतीम बच्चे थे जिनका माल उस जमीन के अंदर मदफून था, दीवार गिर रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर आए और उन दीवार को सेट कर दिया वापस, और वजह बता दी वकाना अबू हुमा सालिहा, यानी हमने ये दो यतीम बच्चों की हिफाजत इसलिए की क्योंकि इनका बाप नेक था। और इसी तरह सईद बिन मुसय्यब और अब्दुल और दीगर ताबईन और सहाबा से भी मरवी है कि
غالباً سعید بن مسیب رحم اللہ سے ہے کہ وہ اپنے بچے کو سائڈ پہ دیکھتے تھے, اپنے ان کا بچہ سو رہا ہوتا اور وہ قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ لے اجلے کھیا بنائی, میں تیرے لیے قیام اللیل کر رہا ہوں اے بچے, یعنی آگے تیرا فیوچر دین والا فیوچر بنانے کے لیے کہ تیری حفاظت ہو جائے اور تو دیندار ہو جائے اور تو نیک ہو جائے, صرف اس لیے میں جو ہے وہ قیام اللیل کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا نا کہ ہم اگر ایک انسان نیک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی حفاظت فرماتا ہے. تو لہٰذا انشورنس نہ کروائیں, لائف انشورنس لوگ کراتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اگر انویسٹ کرنا ہی ہے, پریمیم دینا ہے, منتھلی پریمیم دینا ہی ہے, تو اپنے آپ کو سیدھا کریں, بچے سیدھے ہو جائیں گے. بہت سوال دار آ کے سوال کرتے ہیں, بچے سیدھے نہیں ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ کون سا ڈراما دیکھتی ہیں شام میں؟ جی کبھی کبھار یہ دیکھ لیتی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی یہ بھی دیکھ. تو بچے کہاں سے خاک سیدھے ہوں گے؟ بچے بچوں کو جو ہے وہ انٹلیکٹ اور ریفلیکشنز اور الفجر وغیرہ اسلامک اسکول بھیجا ہے کہ بچے سیدھے ہو جائیں. ہم نے نہیں سیدھا ہونا بھائی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سیدھے نہیں ہوں گے تو بچے سیدھے نہیں ہوں گے. اگر آپ سیدھے ہو گئے پھر بھی بچے سیدھے نہ ہوئے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر کا کافر رہا, نوح علیہ السلام کی لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ رہی, تو یہ اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک اسباب تو ہے نا, مثال آپ دوائی لیتے ہیں تو وہ دوائی موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ آپ کو شفا دیتی ہے, لیکن کبھی کبھار نہیں دیتی, اللہ کی حکمت, اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح, آپ اگر صالح ہوں گے, آپ نیک ہوں گے, آپ صحیح سالم ہوں گے تو آپ کے بچے بھی صحیح ہوں گے. یہ موسٹ پروبیبلی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ صحیح نہیں ہوں گے اور آپ کہیں کہ نہیں بچے صحیح ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایسا نہ کریں. آپ پہلے خود جو ہے وہ ڈرامے دیکھنا چھوڑیں, خود نیٹ فلکس چھوڑیں, انسٹال کریں اس کو اور پھر بچوں پر دھیان دیں. بچوں کو اسلامک اسکول دینے عجیب ڈبل سٹینڈرڈ ہے والدین کا. تو ایک منٹ میں اوپر لوں گا, ڈبل سٹینڈرڈ ہے والدین کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی بچہ آدھا مولوی بن جائے, مطلب اسلامک اسکول میں جائے, پانچ وقت نمازی بن جائے, بس آدھا یعنی وہ ڈرگز نہ لے, نشے میں نہ پڑے, لڑکیوں کے چکر میں نہ پڑے, یعنی یہ فحاشی اور اس طرح کی برائیوں میں نہ پڑے, معاشرتی برائیوں میں. لیکن تو یہ آدھا مولوی بن جائے اور لیکن یہ ڈر ہی رکھ لے, یہ بڑا ہو گیا ہمیں سمجھانا شروع کر دے, یہ ہمارے ڈرامے بند کرا دے, یہ ہماری فلمیں بند کرا دے, اتنا مولوی نہ ہو بچہ. مطلب یہ کیسا عجیب سا اسٹینڈرڈ ہے. یعنی آپ اس کو صرف دیندار اپنے فائدے کے لیے پھر تو بنانا چاہ رہے ہیں نا. دیندار آپ نے کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ آپ سے سوال ہوگا کل کو, اللہ آپ سے کرے گا کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی, یہ کیوں نہیں کی. تو ہم جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے آدھے دیندار ہو, اتنے دیندار ہو کہ فل ایکسٹریم مولوی نہ ہو اور نہ ہی فل ایکسٹریم برگر نہ ہو, بس بیچ بیچ میں کہیں چلتے رہے تاکہ ہماری بات پہ ہاں ہاں کہتے رہے اور ہم سے ہاں. اور پھر وہ کہتے ہیں جی دین اور دنیا کو ساتھ بھی تو چلانا ہے. بہرحال یہ بھی بڑا ٹاپک ہے, کسی دن چلے یاد دلانا. یہ دین اور دنیا کو ساتھ دلانے والا یہ جو جملہ ہے, یہ کتنا حد تک صحیح ہے؟ یہ کیا ہے دین اور دنیا؟ یہ تفریق, یہ اس میں الگ کرنا ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے, یہ تفریق بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال ٹائم ختم ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.